हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा न्यू वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले बस ये पांच चीज़ें कर लो, शादी के बाद हमेशा खुश रहोगे। बस ये पांच चीज़ें फॉलो कर लो, ससुराल में हमेशा खुश रहोगे। बेसिकली मैं कुछ टिप्स आपको देने वाली हूँ जो कि आपको बहुत 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 ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके ससुराल में, एंड आप के सब दीवाने हो जाएंगे, आपकी एक अपनी इमेज, अपनी वैल्यू बनेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू एंड जानते हैं वो पांच राज। होता क्या है कि घर में जब हम अकेले रहते हैं तब भी हमारी आपस में कपल्स की लड़ाई होती है, और ससुराल वालों के साथ रहने तब भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो ससुराल वालों को बुरी लग जाती हैं, बहुत सी बातें होती हैं जो हमें बुरी लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें होती ही रहती हैं और मन में भेदभाव, मनमुटाव होता ही रहता है। इस केस में आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जब ब्लशिंग ब्यूटी है आपके साथ, आपको एक परफेक्ट गाइड की तरह मैं गाइड करूँगी। आप मुझे अपनी बहन मान सकते हैं, अपनी दोस्त मान सकते हैं, या फिर अपनी ब्लशिंग ब्राइडल गाइड भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले बस एक चीज़ कहना चाहूँगी गर्ल्स, जब भी आपकी शादी होती है, शादी होने के बाद आप ससुराल जाती हैं, कई बार चीज़ें आपके मन मुताबिक होती हैं, कई बार चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं होती। हो सकता है आपने जैसे ख्यालों में सोचा हो कि आपका ससुराल ऐसा होगा, ससुराल वाले ऐसे होंगे, और वैसा ना हो। हो सकता है हो भी या ना भी हो। तो अगर आपके मन मुताबिक चीज़ें आपको नहीं मिली है तो आप क्या करते हैं, कई बार अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जाते ही चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप जाएंगे, थोड़ा उनको समझिए और अपने आप को समझाइए। चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जैसा है वैसे ही चलने दीजिए। एटलीस्ट शुरुआत में 2-4-6 महीने तो वैसे ही रहने दीजिए, धीरे धीरे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू बनाते जाएंगे उस हिसाब से आप चीज़ों को चेंज करते जाएंगे। एक और यहाँ राय देना चाहूँगी, आप अपने हस्बैंड को जाते ही चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा कि आप गए और आपने बस बोलना शुरू कर दिया कि ये इस तरह से मत रहो, ऐसे रहो। तो देखिए, कोई भी आपके जाते ही आपके ऑर्डर का पालन नहीं करेगा। आपने ऑर्डर कर दिया और वो इंसान का नेचर है, वो एकदम से चेंज नहीं होगा। आप धीरे धीरे कोई चीज़ उनको समझा सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जब वो आपको समझेंगे तभी वो आपकी बात मानेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ससुराल में खुश रहना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ससुराल वालों का खुश रहना। इन ससुराल वाले किस तरह खुश रहेंगे ये मैं अब आपको बताती हूँ। जब भी आपकी शादी होती है, शादी के बाद देखिए जो रिलेटिव्स होते हैं, दूर के रिश्तेदार होते हैं, वो 2-4-6 दिनों में चले ही जाते हैं। आपको रहना होता है आपके घर वालों के साथ, जिसमें आपके हस्बैंड होंगे, आपके देवर हो सकते हैं, नंद हो सकती हैं, आपके सास ससुर होंगे, और भी कोई भी हो सकता है। तो उस केस में मैं ये कहूँगी कि जब भी आपके ससुराल में आप रह रहे हैं, एक आध महीना हो गया है, आपको ये एहसास होने लगेगा कि हाँ, आप तो आपकी शादी को टाइम हो गया है, आप अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ससुराल में कोई भी डिसीज़न ले रहा है, कोई भी बड़ा है, हो सकता है आपके इन लॉज में से कोई भी डिसीज़न लिया जा रहा है, आपको करना ये है जो भी डिसीज़न वो लोग ले रहे हैं उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि अगर आपको वो चीज़ सही नहीं लग रही है उनकी, फिर भी आपने बीच में जाके टांग अड़ा दी कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए। अपनी राय मत दीजिएगा, अपनी राय अपने तक रखिएगा। एटलीस्ट शुरुआती दिनों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपको आपकी वैल्यू बनानी है तो आप शुरुआती दिनों में दूसरों की हाँ में हाँ मिलाइए। अगर आप दूसरों की हाँ में हाँ मिलाएंगे, यानी आपके घर वालों की हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो उनको भी ये लगेगा कि आप उनको समझ रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इससे आपकी एक अलग इमेज बनेगी। थोड़ा टाइम हो जाए उसके बाद आप अपने डिसीज़न, अपने पॉइंट उनके सामने रख सकते हैं, वो भी आपकी सुनेंगे और आपको समझेंगे और आपको की वैल्यू भी बन जाएगी। और चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी गर्ल्स पॉइंट नंबर 3 में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लड़कियों के लिए जिनको बातचीत करने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, समझ नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें, या फिर वो लड़कियाँ जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं। तो देखिए गर्ल्स, आपका व्यवहार तो होता है, एक नेचर तो होता है जो कि सबका दिल जीत लेता है, लेकिन सिर्फ नेचर नहीं होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम करके दिखाते हैं तब भी लोगों को समझ नहीं आता है। लेकिन एक लड़की का, एक दुल्हन का, एक भी बहू का, डॉटर इन लॉ का बातचीत करने का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ससुराल वालों से किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि छोटे बच्चों से, आपसे जो भी छोटे हैं घर में, उनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार से बात करेंगे तो आपको उनसे भी प्यार मिलेगा। बड़े लोग हैं तो उनसे आप रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो वो लोग भी आपको समझेंगे एंड ये मानेंगे कि आप भी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं सबकी। आपकी एज की हैं जो लोग आपके साथ की हैं, उनसे आप एज अ फ्रेंड बात करेंगे तो उनको भी आपका फ्रेंडली नेचर पसंद आएगा एंड आपसे एक अच्छी बॉन्डिंग बन
बन जाएगी। एक और राय यहाँ देना चाहूँगी, अगर आप फ्रेंडली नेचर रख भी रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप फ्रेंडली नेचर रखते रखते ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाएं। फ्रेंड होना, एज अ फ्रेंड बात करना, फ्रेंडली होना एक अच्छी बात है, लेकिन ओवर फ्रेंडली होना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि होता यह है कि गर्ल्स जब भी हम फ्रेंडली हो जाते हैं ना, तो हम बस सोचते हैं अब तो हम एकदम फ्रेंडली हो चुके हैं, खुल चुके हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि सामने वाले को हमारी कौन सी बात कब किस टाइम पे बुरी लग जाए। अक्सर केसेस में यही होता है कि गर्ल्स लड़कियों को ये लगता है कि अब तो हम अपनी वैल्यू बना चुके हैं, सामने वाला हमें समझ रहा है, हमारी फीलिंग समझ रहा है, लेकिन कब क्या बात बुरी लग जाती है पता नहीं चलता और फिर नेगेटिविटी आती है, रिश्ते ख़राब होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, शुरुआती दिनों में ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को उन लड़कियों के साथ शेयर कीजिएगा जिनकी शादी जल्द ही होने वाली है या हो चुकी है, सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये वाली बातें वो भी जान सकें और ये वाली बातों को अपनी असल ज़िंदगी में उतार के ससुराल में एक अपनी इमेज बना सकें। एंड ये कोशिश कर सकते हैं आप लोग, कोशिश करने से सब कुछ पॉसिबल है, आप लोग कोशिश कीजिए एंड सब कुछ हासिल हो सकता है। एक और बात यहाँ ये कहना चाहूँगी, गर्ल्स जब भी आपकी शादी होती है ना, शादी होने के बाद आप किसी के घर की बहू बनती हैं, बेटी से बहू बनती हैं, तो बेटी के ऊपर तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बट बहू एक ऐसा शब्द ही है अपने आप में जिसमें घर की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो ससुराल वाले अपनी एक बहू से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर को अच्छे से संभाले, अच्छे से रहे एंड सबके साथ प्यार से रहे, और कुछ भी नहीं चाहिए होता है घर वालों को। तो बेसिकली आपको करना ये है, जब भी आपकी नई शादी हो रही है तो नई शादी हुई है, ससुराल वाले आपसे ज़्यादा काम नहीं कराएंगे। कोई भी ऐसा नहीं करता है कि बहू आई और आते से ही एकदम उसके ऊपर बर्डन डाल दिया गया, ऐसा बहुत ही कम घरों में होता है। बस इतना कहना चाहूँगी, आपकी नई शादी हुई है तो आपके पास ज़्यादा काम नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत घर का काम संभालना है, सबसे अच्छे से प्यार से रहना है, लेकिन उस केस में आपको आपके बेडरूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। अब ऐसा ना हो कि आपकी शादी हो गई है और आपका बेडरूम बस ऐसे ही वैसे ही पड़ा हुआ है, इससे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बुरा जाता है। आप अगर किचन भी संभाल रहे हैं तो किचन को भी वेल ऑर्गेनाइज्ड रखिए, अगर आप बेडरूम में हैं तो बेडरूम को भी ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। अगर जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे खुद को और अपने रूम को, उतना ही ज़्यादा आपकी इमेज अच्छी बनेगी। आप ऐसा भी मत कीजिए कि आपका बेडरूम तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप रेडी नहीं हैं। शुरुआती दिनों में आपको काफ़ी अच्छे से खुद को वेल मेंटेन रखना होगा, अपने साथ साथ अपने घर को भी मेंटेन रखना होगा। इससे आपका एक अहमियत बनती है लोगों की नज़रों में, जो ससुराल वाले होते हैं उनकी नज़रों में ये सीधे सीधे जाता है कि आप जो बहू है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, चीज़ों को सही तरीके से करती है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है रियल लाइफ में, तो इसको भी करके देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, गर्ल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शायद ही एक बात कोई आपको बताएगा या फिर ये एक नॉर्मल बात भी है, आपको लगता है कि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट इस चीज़ से आप अपनी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बना सकती हैं। होता क्या, आपकी शादी होती है, शादी के बाद आप किसी घर की बेटी से किसी घर की बहू बन जाती हैं, और बहू खुद में ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप अपनी लाइफ जीना छोड़ दीजिए, आप बहू बनी है इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप अपने सपने छोड़ देंगी, अपना जीने का तरीका छोड़ देंगी, आपको अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी है। बट यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपकी नई शादी हुई है, शुरुआती दिनों में आप सारे काम घर वालों से पूछ के करिए, कोई भी राय है तो उनसे मांगिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ससुराल वाले जो होंगे, घर वाले होंगे, वो बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि आप सारे काम पूछे करते हैं, उनकी राय आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और जब भी हम किसी इंसान से किसी की राय मांगते हैं ना, तो वो इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होता है। और ये एक फैक्ट बात बता रही हूँ आपको, आप अपनी असल ज़िंदगी में करके देखिएगा, अगर आप किसी से भी राय मांगेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, खुशी खुशी आपको राय देता है। तो ये चीज़ करके देखिएगा। और बहुत ही छोटी छोटी राय आपको चाहिए होंगी, जैसे कि घर में आपको अगर कोई खाने की चीज़ बनानी तो आप घर वालों से पूछ सकते हैं, आज खाने में क्या बनाऊँ, आज ये करें या ना करें, या कोई भी बात जो कि आपको पूछनी है वो आप बेझिझक पूछिए। शादी होती है, शादी के बाद तो खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी, हर लड़की का एक सपना होता है कि शादी के बाद ससुराल वाले भी उसे उसी तरह प्यार करें जैसे उसके हस्बैंड करते हैं, जैसे वो रहना चाहती है, अपने सपने जो सपने संजोती है ना कि ऐसा घर मुझे मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि उसे वैसा घर मिल जाता है, कई बार नहीं भी मिलता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम करते तो बहुत ज़्यादा लगन से हैं, मन से हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं हासिल हो पाती हैं जो होनी चाहिए। तो उस केस में आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर एक लड़की ससुराल में खुश रहना चाहती है तो इसका सीधा साधा आपको जवाब ये देना चाहूँगी,
कि सीधा इम्पैक्ट पड़ता है उसके हस्बैंड से। अगर अपनी एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार से और रिस्पेक्ट से रखता है, अच्छे से रखता है, केयर से रखता है, तो ससुराल वाले भी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और अगर एक हस्बैंड ही केयर नहीं कर रहा है अपनी वाइफ की, तो ससुराल वाले भी केयर नहीं करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके हस्बैंड आपका कितना साथ देते हैं। अगर वो आपके साथ हैं तो ससुराल वाले भी आपका साथ ज़रूर देंगे। एंड ये बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, एंड दिल से कमेंट कीजिएगा आपकी क्या राय है ये बताइएगा, एंड इन बातों को अपनी असल ज़िंदगी में उतार के देखिएगा। अगर किसी एक की भी हेल्प हो जाती है इस वीडियो से तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।